नरसिंहपुर जिला एक साक्षर माना जाता है और नरसिंहपुर की जो तहसील है वो घरेली व्यापारिक नगरी मानी जाती है। यहाँ पर सैकड़ों गांव से लोग आवागमन करते हैं। इस समय पर मैं घरेली के अंडर ब्रिज के पास मौजूद हूँ। आप यह स्थिति देख रहे हैं, घरेली का अंडर ब्रिज है जो जलमग्न हो चुका है। महज एक घंटे की बारिश में इस अंडर ब्रिज में घुटनों के ऊपर तक पानी भर चुका है। इसकी निकासी की कोई जगह समझ में नहीं आ रही है। वाहन निकल रहे हैं तो आधे वाहन डूब जाते हैं और वहीं बंद हो जाते हैं। यह समस्या बड़ी समस्या देख रहे हैं आप। जो देखिए मोटरसाइकिल निकल रही है वो किस स्थिति में जा रही है और बीच में जाके बंद हो गई है। ऐसे में लोगों के गाड़ियों का इंजन में पानी जाना, गाड़ियाँ खराब होती नज़र आ रही हैं और एक दूसरे वाहन जो जा रहे हैं आपस में एक दूसरे के रुक रहे हैं। अभी आप देखिए कार है, कार की स्थिति आधी डूब चुकी है। बड़े संघर्ष करके इस पुल से बाहर निकला जा रहा है। आपको बता दें आज का ज़माना आदमी की होता है। कैसा रेलवे ने आज ने युग में यह अंडरब्रिज बनाया। अंडरब्रिज में मैं एक घंटे की बारिश होती है लेकिन पूरा अंडरब्रिज जलमग्न होकर भर जाता है। घंटों तक इसमें पानी भरा रहता है, लोग निकल नहीं पा रहे। जबकि आज करेंगे माता की आ रहा है, बड़े बड़े कार्यालय लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन यह समस्या लोगों को बनी हुई है, समस्या से निजात नहीं मिल रही है। कई बार मीडिया में समाचार आ चुके हैं लेकिन रेलवे में यहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की कि जल निकासी हो सके। हर बार बारिश में यह स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति बनती है कि लोग इसमें गिर सकते हैं और घायल हो सकते हैं। घरेली से अमित वर्मा।